संजय है, आपके साथ भी कोई वकील हो तो उनसे भी बात कीजिएगा। और यहाँ पर जस्टिस जेबी पारधीवाला वो कह रहे हैं कि आरक्षण अनंत काल तक जारी नहीं रखा जा सकता और इसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है कोर्ट की तरफ से। आई हाँ, तो ये 10% की सीमा है, ये 50% का जो कैप है उससे ऊपर होगा, उसके अंदर होगा, ये क्या है? देखिए, अब पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद आपका इतना तकनीकी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। मोटी मोटा हम दे सकते हैं कि 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने तो फैसला पक्ष में दिया है। जस्टिस ललित साहब, राज्य सरकारें क्या करेंगे उसमें? क्या राज्य सरकारें इसके लिए करेंगे या राज्य सरकार उसमें अलग से प्रावधान? जो प्रावधान है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसपे माननीय कोर्ट के द्वारा बहुत ही सेटअप जजमेंट बनाया गया है। उसके पढ़ने के बाद ही, पूरे जजमेंट के पढ़ने के बाद भी हम आपके बहुत ही विद्वान श्रोताओं को और दर्शकों को बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन अभी स्थिति है कि पक्ष में ईडी जो अमेंडमेंट किया गया था वो ईडब्ल्यूएस के पक्ष में दिया गया। बिल्कुल। संजय, आपका जो यही बात है क्योंकि उसका जवाब नहीं मिला कि क्या होगी। लेकिन संजय, आप एक और पॉइंट कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ने एक तर्क रखा, वो तर्क ये था कि जितने आर्थिक तौर पर जो कमजोर तबका है वो दरअसल यही है, SC ST और OBC है, और आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर भी है। रिपोर्ट्स का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन 3 जजेस को वो नहीं, उसमें वो तर्क नहीं लगा। ये जस्टिस, ये तो अपने अपने फैसले के सपोर्ट में तर्क रखते हैं। जब इन्होंने ये माना, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने, कि ये असंवैधानिक है 130वां संविधान संशोधन, लिहाजा उन्होंने अपने, हम क्यों इस कंक्लूजन पर पहुंचे उसके लिए तर्क देते हैं फैसले में। फैसला सिर्फ 2 लाइन का फैसला नहीं होता कि अदालत इससे असहमत है या हम इससे असहमत हैं। हम क्यों असहमत हैं उसके लिए जजेज अपने फैसले में वेद पुराणों से लेकर और कई तरह के चीजें कोट करते हैं, पुराने फैसले कोट करते हैं, पुरानी दलीलें कोट करते हैं, पुराने जजेज के विचार कोट करते हैं। जैसे जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कई जजेज के पुराने विचार उसमें कोट किए अपने फैसले में, वैसे ही जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने सिन्हा आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि आर्थिक रूप से अधिकतर लोग जो पिछड़े हैं, जो ज्यादा गरीब हैं, वो SC ST और OBC में हैं, उनको आरक्षण दिया जा रहा है, तो अलग से इस आरक्षण का प्रावधान करने की जरूरत क्या थी। तो उससे इन्होंने अपने विचार को पुष्ट किया है, अपने विचार को आधार प्रदान किया है उस रिपोर्ट और उस दलील के आधार पर। वैसे ही जिन लोगों ने सरकार की नीतियों का समर्थन किया, जिन 3 जजेज ने, उन्होंने भी अपने अपने उसमें, ये डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने फैसले के सपोर्ट में क्या क्या चीजें कोट की हैं, क्या क्या हवाले और उद्धरण दिए हैं। तो कुल मिलाकर आप बता दें, 2019 में संविधान में संशोधन करके ये लाया गया और उसके बाद कुछ चुनौती कोर्ट में दी गई, और अभी फिलहाल जो खबर है वो ये कि EWS आरक्षण पर सुप्रीम सहमति मिल गई है और 5 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की और 3-2 से ये फैसला आया, यानी 3 जज इसके पक्ष में हैं और 2 जजों के मत इससे अलग थे। अब जिस तरीके से ये फैसला, क्योंकि अब ये प्रक्रिया भी संजय पूरी हो चुकी है, किन किन बातों का जिक्र यहाँ पर जजों के द्वारा किया गया जब वो अपने फैसले को पढ़ रहे थे, अगर आप तक वो जानकारी डिटेल्स में आ चुकी हो तो कुछ और डिटेल हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। डिटेल्स का तो अभी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जिन 3 जजेज ने इसके समर्थन में बात की है उनका ये कहना है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को बराबर सबके समान आने का अधिकार है और उस अधिकार की रक्षा सरकार ने की है, तो इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई संविधान की मूल भावना को आहत नहीं किया गया है और उससे ये चीजें सामने लाई गई हैं। वहीं बाकी दोनों जजेज का कहना था कि जब सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़े लोग SC ST और OBCs में है तो फिर बाकी लोगों को आरक्षण का ये अलग से इंतजाम करने की जरूरत क्या है, ये संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ है, ये उससे छेड़छाड़ है और इससे संविधान की मूल भावना आहत होती है, लिहाजा ये फैसला सरकार की ये नीति असंवैधानिक है। फिलहाल सबको इंतजार है कि बड़े विस्तृत जजमेंट जैसे ही आएगा तो उसमें बाकी और चीजें पता चल जाएंगी, क्या फिर इसके मूल में क्या है, किन तर्कों के साथ सभी जज अपने अपने फैसलों को लेकर आगे बढ़े। संजय, आप सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे बहुत सारे वकील हैं, कोशिश करें कि आप उन तक पहुंचे, उनसे बात करें, लेकिन साथ साथ में एक पॉलिटिकल क्वेश्चन ये है कि क्या अब काट मिल गई है जाति आधार आरक्षण की, आर्थिक आधार पर आरक्षण और कोर्ट पे उस पर मंजूरी?
इसको सीधा सीधा काट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जातिगत आधार पर तो आरक्षण मिल ही रहा है पहले से, जो 50% से ज्यादा नहीं करना है तो ये तो पहले से 47% के करीब तो पहले से मिल ही रहा है आरक्षण, उस पर कहीं कोई मुश्किल नहीं है। अगर पूरे आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर दिया जाता तब तो ये मानना सही होता, या क्रीमी लेयर को अलग कर दिया जाता तब ये मानना सही होता कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत या आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन जातिगत आरक्षण को तो बरकरार रखा गया है, लिहाजा ऐसे में ये कहना उचित नहीं है कि ये जो नई व्यवस्था है, जो नया फैसला सुप्रीम कोर्ट का जिसके बाद ये व्यवस्था आगे बढ़ेगी, तो जातिगत आरक्षण को खत्म करने जैसी बात है, ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, आपका रुख करेंगे, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आपके पास कुछ ताजा अपडेट? देखिए बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये जरूर है कि सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है स्वर्ण जातियों के लिए आरक्षण लेके आई थी 10% का। आज कोर्ट की तरफ से अगर ये फैसला आया तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं किसी की बात होगी कि जो सरकार का डिसीजन था उस पर भी आप सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया और जिस तरीके की पेचीदगियां उस पर थी अब वो सारी चीजें खत्म हो गई है। तो इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो गुजरात के चुनाव हो या हिमाचल के विधानसभा चुनाव हो, उसमें तो मिलेगा ही। और उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो अगले 4 महीनों के अंदर त्रिपुरा के चुनाव है, साथ ही साथ कर्नाटक के चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिल सकता है कि जो सामान्य जाति के अंदर जो रिजर्वेशन दिया था उसके ऊपर आप कोर्ट में अगर मोहर लगाते तो कहीं ना कहीं इसका फायदा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जहां माना जाता है कि अपर कास्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए का एक मजबूत वोट बैंक है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको जो है ये कहा जाए कि क्रीमी लेयर, यानी कि जो लोग क्रीमी लेयर से नीचे है अपर कास्ट के अंदर उनको भी अब आरक्षण मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा चुनावी तौर पर भी और दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन हिमांशु, जाति आधारक जो आरक्षण मिल रहा था उनको कुछ, उनका कुछ परसेंटेज था, 10% इनका भी हो गया, तो कैलकुलेट कैसे होगा? शैक्षणिक संस्थानों पर तो लागू होगा ही, जाति आधारित भी हो रहा है और आर्थिक आधार पर भी होगा। देखिए बिल्कुल, आर्थिक आधार पर जो है वो फायदा मिल सकता है, और क्योंकि आर्थिक आधार के अंदर हमेशा ये देखा जाता है जिन जातियों को अगर आरक्षण मिल भी रहा है तो उनमें भी एक तरीके से सरकार जो है क्रीमी लेयर की कैप लगाती है कि मान के चलिए कि अगर कोई ओबीसी है और ओबीसी होते हुए उनकी जो एनुअल इनकम है वो 10 लाख से नीचे है तो ही उनको जो है आरक्षण मिलता है। तो ऐसे में अगर जो स्वर्ण जातियों के लोग आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं और सरकारी जॉब में या अन्य संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों के अंदर, तो अगर उनकी उनके लेकर भी जो क्रीमी लेयर है, जो बाकी ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर उनको रिजर्वेशन के लिए क्रीमी लेयर की कैप है तो वो कहीं ना कहीं स्वर्ण जातियों के लिए भी होगी। तो एक तरीके से 10% का आरक्षण कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फैसला था उस वक्त मोदी सरकार का और उसका फायदा उन्हें चुनावों में भी मिला, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद ये तय हो गया है कि 10% का जो आरक्षण है स्वर्ण जातियों के, यानी कि अपर कास्ट के लिए, वो जारी रहेगा। और कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा जो है वो चुनाव में लेना चाहेगी। ठीक है, संजय करू करते हैं उनके साथ, वकील है। संजय, बात करें आप वकील से। हमारे साथ शादा जमाई है। शादा भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई सारे सवालों के जवाब तलाशता है, ये मांगता है कि जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि एक समय सीमा होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से लोग फायदा ना उठाएं इसका, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या ये 50% से ऊपर जाएगा? देखिए, दो, पहले मैं समझा दूं, दो ओपिनियन है, एक मेजोरिटी 3 जजेस के और एक जस्टिस भट्ट का डिसेंटिंग ओपिनियन है जिससे चीफ जस्टिस अग्री करते हैं, और मेजोरिटी ने यह कहा है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता है। ऑल्सो जो एक्सक्लूजन, जो बैकवर्ड कास्ट SC ST दलित और जो ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है EWS रिजर्वेशन से, वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता। उस पॉइंट पे जो डिसेंट है वो डिसएग्री करती है, वो कहता है क्योंकि आपने जो पुअरेस्ट लोग हैं, क्योंकि बैकवर्ड क्लास पुअरेस्ट है, वही हमारी, हमने यही बहस की थी और वो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया डिसेंट में कि जो पुअरेस्ट लोग हैं उनको अगर आप एक्सक्लूड करेंगे इकोनॉमिक क्राइटेरिया से तो उसका पर्पस ही मीट नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो ब्रॉड व्यू है। अब इस पे मेजोरिटी के व्यू में जस्टिस त्रिवेदी ने और जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि रिजर्वेशंस वर इनिशियली मेंट टू बी टाइम बाउंड एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड टू कांस्टेंटली रीअसेस एंड सी इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजर्वेशन हैव बीन मेट। दैट इज फाइन एज अ व्यू,
बट टुडे द रियलिटी इज दैट ऑन द ग्राउंड डू पीपल फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस एंड एससी एसटी हैव इक्वल एक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब्स इन रिप्रेजेंटेशन नो और इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. अगर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं, अगर 80 सेक्रेटरीज हैं सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से दो या तीन ही होंगे जो बैकवर्ड क्लास है एससी एसटी से होंगे. तो अगर इतना कम रिप्रेजेंटेशन है, जो 70% पॉपुलेशन है कंट्री की, उसमें दो ही लोग हैं एससी में से सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कहां मीट हुआ है? तो अभी बहुत समय है उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने में. जब ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा तो बिल्कुल आप रिजर्वेशन हटा दीजिए, बट आज वो समय नहीं आया. अभी बहुत सारी उसमें बाधाएं और परेशानियां और अभी जो रेगुलर चैलेंजेस हैं वो जमीन पे हैं, अभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं. इसमें बड़ा सवाल ये कि क्या ये आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद 50% से ज्यादा का कैप हो सकता है? तो उसपे भी मेजोरिटी ने कहा कि 50% क्रॉस किया जा सकता है. मेजोरिटी का ये व्यू था कि 50% बेसिक स्ट्रक्चर का रूल नहीं है, वो एक रूल जो है वो एक रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है और रूल ऑफ कन्वीनियंस है, क्योंकि उसमें रूल में ही एक्सेप्शंस इन्विसाइज्ड हैं. मतलब जब रूल बना था तभी कहा था कि इसको क्रॉस किया जा सकता है एक्स वाई जेड सर्कमस्टेंस में, इसलिए वो बेसिक स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है. इसमें स्टेट्स अगर इसको लागू करना चाहें उसके लिए क्या प्रावधान है? तो स्टेट्स तो जिस तरह से ये परमिसिव प्रोविजन है, मतलब ये स्टेट्स को अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो स्टेट अपना 10% एडिशनल टू एक्जिस्टिंग रिजर्वेशन जो है 50 के ऊपर वो ईडब्ल्यूएस को आप दे सकते हैं जिस तरह से इस अमेंडमेंट में इन्वेस्ट है. उनको अलग से एक कानून लेके आना पड़ेगा और अपने यहाँ लागू करना पड़ेगा? कानून की जरूरत नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू भी कर सकते हैं, जो भी प्रक्रिया होगी चाहे कानून के थ्रू या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, लेकिन जो भी लीगल प्रक्रिया जरूरत होगी उसके थ्रू ये कर सकते हैं इम्प्लीमेंट. लेकिन इसमें तो ये साफ हो गया कि आप 50% से ज्यादा भी, तो इसकी सीमा 10% से और आगे भी बढ़ा सकते हैं आगे. बिल्कुल, तो यही डिसेंट ने ये पॉइंट आउट किया कि अगर आप इस तरह से अलाउ कर रहे हैं 50 से ऊपर तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है. जो रिजर्वेशन का रूल है वो इक्वालिटी के रूल को खा जाएगा, रिजर्वेशन का जो रूल है वो इक्वालिटी का रूल को ही खत्म कर देगा. तो ये डिसेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपने आज जो अलाउ किया है 10% एक्सेस, वो आपने कोई उस पर लिमिट नहीं रखी, अब तो अनलिमिटेड एक तरह से कर दिया है. तो वो एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट था कोर्ट के अंदर. पॉइंट भी वकील कह रहे हैं, सामान ज्यादा बिकेगा फिर दुकानदार पॉइंट है ज्यादा ला के. संजय, लेकिन एक चीज, क्योंकि जिस तरीके से अभी जानकारी आ रही है और डिटेल में जैसे आते रहेंगे वो जानकारी आप पहुंचाएंगे, लेकिन जस्टिस जेबी पारदीवाला वो कह रहे हैं आरक्षण जो है वो अनंत काल के लिए नहीं हो सकता है, और ये भी कहा कि इसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए. ये भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी उनकी तरफ से रही, हालांकि उन्होंने सहमति ही जताई. सहमति जता, इसीलिए अलग अलग जजमेंट आते हैं कि आपने मूल भावना से तो सहमति जताई है, लेकिन उस पर आपके क्या कुछ अलग विचार हैं वो जजेज अपने फैसले में बताते हैं. अब उन्होंने अपने फैसले में ये बताया कि अनंत काल तक नहीं चलना चाहिए, ये निजी स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. तो इसमें ये भी एक इशारा, अगर बिटवीन द लाइन समझें, हालांकि कोर्ट के फैसलों में बिटवीन द लाइन्स तो होता है, लेकिन उसको समझने के लिए हो सकता है कि सरकार की तरफ इशारा हो कि इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि उन्होंने इससे सहमति जताई कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन साथ ही व्यक्तिगत फायदा क्या, इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए, राजनीतिक फायदा उसको रेखांकित किया हो जिसको उन्होंने शब्दों का ये जामा पहना है कि इसका व्यक्तिगत फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए, अनंत काल तक नहीं हो. इसमें विपक्षी जो आरक्षण के सपोर्ट में लोग हैं, जो एससी एसटी और इसके आरक्षण के, उनको भी एक नसीहत दी गई है कि अनंत काल तक नहीं चलना चाहिए, इसकी एक सीमा रेखा तय होनी चाहिए कि अब इसके बाद आरक्षण को बंद किया जाए. लेकिन ये ऐसा कानूनी सवाल है जिसका राजनीतिक जवाब आता है, और वो जवाब आता है कि आरक्षण तो बस यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी इसमें, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार इस पर हाथ नहीं डालना चाहती है. जो हाथ डालेगी उन्हें लगता है कि फिर हमारा तो नाश सुनिश्चित है. तो ऐसे में ऐसी स्थिति हो गई है विक्रम और बेताल की कहानी की, जिसमें बेताल ये कहता है कि राजन अगर मेरे प्रश्न का जवाब तुम जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में बट जाएगा, और राजा जवाब देता है, बेताल फिर पेड़ पे लटक जाता है. कुछ वैसी कथा इसमें भी है, इसमें भी यही है कि कोई भी पार्टी इसका जवाब नहीं देना चाहती. बिल्कुल संजय, लेकिन जब ये आरक्षण स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट है, तो यानी कि सरकार के पास अधिकार होगा इसकी लिमिट सेट करने का, लेकिन वो लिमिट क्या, 10% ही रहने वाली है या 50% कैप तक जाएगी? उसके लिए अगर सरकार बढ़ाएगी तो ऐसा नहीं कि सरकार संसद में पारित कर दे. संविधान में संशोधन के लिए एक पूरी प्रक्रिया है, जो उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, और वो लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है. बड़ी मुश्किल से 130वां संविधान संशोधन पास हुआ है, जिसमें कि राज्य सरकारों की भी सहमति जरूरी है. तो ऐसे में राज्य सरकारों की सहमति, उसकी एक लंबी प्रक्रिया, वो जब भविष्य में होगा तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य की सरकारें इसी पर ही स्टक रहेंगी. हो सकता है कि इसकी सीमा बढ़ाई जाए, और जब सरकारों को राजनीतिक फायदा नजर आएगा,
अभी भी इससे राजनीतिक फायदा ही नजर आया है, तभी सरकार ने इस तरह का इंतजाम किया है। जब और फायदा नजर आएगा, कोई भी आदमी किसी भी चीज का बिजनेस तब करता है जब उसे उसमें फायदा होता है, और जब फायदा होता है तो उसी चीज के और ज्यादा वैरायटी मंगाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि जब इससे फायदा लगे और समाज को भी फायदा हो, सरकार को भी फायदा हो, तो हो सकता है इसका कैप आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसकी एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है जिसका पालन करना पड़ेगा। और उस समय भी, जिस समय अगर इसका कैप बढ़ाएंगे, उस समय भी लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के बाद उस समय भी फैसला इसी तरह आएगा, और हमारे ही जैसे कोई लोग अपने दर्शकों को बताते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है। बिल्कुल संजय, तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर इस वक्त की कि अब देश में जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस, और इसको चुनौती देती हुई 40 करीब याचिकाएं जो थी वो कोर्ट में डाली गई थी, और उसके बाद अब उस पर फैसला आया है 3-2 से ये फैसला, और 40 याचिकाएं और 3-2 से ये फैसला आया है, और कुल मिलाकर अब ये आरक्षण 10% जो सवर्णों को मिल रहा था वो वैसे ही मिलता रहेगा। एक बड़ी उपलब्धि, लेकिन यहां संजय इसको सरकार के लिए माननी चाहिए। बिल्कुल, सरकार ने ये पहल की और सरकार की इस पहल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की नीति पर अपनी सहमति जताई है, हरी झंडी दी है, और साथ ही ये सरकार के लिए भी राहत की बात है, और साथ ही जिन लोगों को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा, जिन गरीब लोगों को, उन लोगों के लिए भी राहत की बात है कि उनके लिए एक रास्ता साफ हो गया। अभी तक जो उहापोह की स्थिति थी, दो राहे पर खड़ा समाज था, जो सोच रहा था कि होगा क्या, क्या डेड एंड आ जाएगा इसका या फिर आगे राह खुलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने राह खोल दी है। जिस डेड एंड की उम्मीद की जा रही थी, वो डेड एंड सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। तो ऐसे में ये फैसला आगे आने वाले समय के लिए भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, जिसमें कि अभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग, इन दोनों के बीच जो खाई थी, जिसमें रहता सारा फायदा इनको मिल रहा है, तो अब ये कहने को होगा कि जितना फायदा आपको मिलना चाहिए गरीब लोगों को, उनको भी फायदा मिल रहा है। लिहाजा अब ये नहीं कहा जा सकता कि सारा फायदा SC ST OBC को मिल रहा है, सवर्णों को कुछ नहीं। तो ऐसे में हो सकता है कि दोनों वर्गों के बीच की जो खाई है, जो मतभेद और मनभेद है, उसे पाटने में मदद मिले। संजय, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि जाति आधारित आरक्षण की काट है आर्थिक आरक्षण, लेकिन मैं इसके अलावा एक सवाल ये है कि राज्य सरकारों को संजय इसमें क्या क्या अधिकार मिले? राज्य सरकारों को तो अब यह तय करना पड़ेगा कि उनको अपने हिसाब से वो जहां जहां इसे लागू करना चाहते हैं, वो राज्य सरकारें इस फैसले को आधार बनाकर अपने यहां नीति नई बना सकती हैं और लागू कर सकती हैं। फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में 10% ऐसे लोगों को आरक्षण मिलेगा जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, वो लोग भी इस पर अपने आवेदन कर सकते हैं और वो ये नौकरी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो जो आरक्षण के फायदे मिलते हैं वो उन लोगों को भी मिलेंगे जो सवर्ण तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से बेहद पिछड़े हैं।